हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपने साइबर सिक्योरिटी के 6th लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है साइबर कैफे एंड साइबर क्राइम्स। तो पहला टॉपिक है हमारा साइबर कैफे। तो साइबर कैफेज आप सभी जानते होंगे, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही और इनफैक्ट पहले फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर वर्ड जब जब आता है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड करना है, एंड क्राइम्स मतलब इलीगल एक्टिविटीज। तो साइबर कैफेज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि साइबर मींस या पहले जो हम साइबर कैफेज यूज करते थे, साइबर कैफेज में जाकर के कंप्यूटर्स यूज करते थे वो ही है। तो साइबर कैफे का एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, वो आपको कवर करना है। बाकी साइबर क्राइम जो टॉपिक है वो हम बेसिकली ब्रॉडली कवर कर ही चुके हैं। तो बात कर लेते हैं साइबर कैफे में। तो इन फेब्रुअरी 2009, अब आप ये सुन लीजिए, 2023 अभी जो चल रहा है इसमें क्या है कि साइबर कैफेज का ट्रेंड काफी कम हो गया। इनफैक्ट अब कुछ जगह साइबर कैफेज हैं, लेकिन ट्रेंड जो है साइबर कैफेज का वो काफी कम हो गया है और काफी लोग नहीं यूज करते हैं साइबर कैफे, क्योंकि एक्सेस जो है आप सभी को पता है कंप्यूटर्स लैपटॉप फोन्स का सबको अपने पास मिल गया, तो अब दुकानों पर जाने की कोई नीड नहीं है। तो बस ये उसी के बारे में पढ़ना है हमें। फरवरी 2009 में क्या था, इंटरनेट आया था तो पीक पे था। तब नीलसन नाम की कंपनी थी, उसने सर्वे किया साइबर कैफेज की प्रोफाइल पर। इनफैक्ट इंडिया में ही जो साइबर कैफे के यूजर्स थे उन पे सर्वे किया, और ये पाया गया कि 90% ऑफ द ऑडियंस अक्रॉस 8 सिटीज एंड 3,500 कैफेज, यानी कि इन्होंने 8 सिटीज में और 3,500 कैफेज में अपना ये सर्वे किया। उसमें पाया गया कि 90% जो ऑडियंस है उसमें से जो मेल की एज ग्रुप है वो है 15 to 35। तब गेम्स बहुत चल रहे थे, आपको पता हो तो कॉन्ट्रा मारियो ये सब आपने गेम खेले हों, तो 15 से 35 साल के जो भी लोग थे वो ये गेम्स वगैरह बहुत खेलते थे। तो तब साइबर कैफेज की यूज बहुत थी, जिसमें से 90% में से 52% तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी थे, यानी कि बड़े लिखे बीटेक एमटेक करे हुए बंदे थे वो साइबर कैफे में जाते थे। क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि पहले इंटरनेट का एक्सेस लोगों के पास पर्सनल लेवल पे नहीं होता था, अब जो है पर्सनल लेवल पे एक्सेस होने लग गया है, इसलिए साइबर कैफेज के काउंट है वो कम हो गए। और जिसमें से 50% स्टूडेंट थे, ऑब्वियसली बात है पढ़ने भी जाते हैं कई बच्चे, सब लोग हमारी तरह घर पे ही नहीं बैठ रहते, फालतू टाइम पास नहीं करते, कुछ लोग पढ़ते भी, कुछ लोगों को कोई डाउट होता था वो नेट पे भी सर्च करते हैं। अब हम भी नेट पे सर्च करते हैं, हमें भी कोई डाउट होता है तो पहले लोगों को डाउट होता था वो अपने डाउट को इकट्ठा करते थे और एक साथ नेट पे सर्च करते थे। सो हेंस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आईटी सिक्योरिटी। इसलिए अब आप देख सकते हैं 90% लोग साइबर कैफेज में जाते हैं, अब साइबर कैफेज में नहीं जाते लेकिन मोर और लेस कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो 90% काफी बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है, टोटल ऑडियंस में से काफी ज्यादा परसेंटेज होता है। तो हमें आईटी सिक्योरिटी की एक साइबर कैफेज में गवर्नेंस गवर्नेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन काफी पास ईयर्स में देखा गया है कि अब हम जैसे लोगों ने तो साइबर कैफे जाना कर दिया बंद, क्योंकि हमारे पास फोन कंप्यूटर लैपटॉप सब है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां पे टेररिस्ट अटैक करना चाहते हैं, ऐसे लोग आईएसआई के एजेंट्स होते हैं, वो अपना पर्सनल फोन ना यूज करके, पर्सनल लैपटॉप ना यूज करके साइबर कैफेज का लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, ताकि उनका आईपी एड्रेस ट्रैक ना करा जाए, ट्रैक करा जाए तो साइबर कैफेज का एड्रेस आए, जिससे कि फॉल्स और रियल और टेररिस्ट कम्युनिकेशन भी होते हैं। कई बार सच में भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, कई बार फॉल्स भी झूठ झूठ में बोल देते हैं यहाँ पे बम है, ये सब एक्टिविटीज ये सब साइबर कैफेज की वजह से होती है। तो सबसे पहले साइबर क्राइम सच एज स्टीलिंग ऑफ बैंक पासवर्ड, सब्सिक्वेंट फ्रॉडुलेंट विड्रॉल ऑफ मनी आल्सो हैपन थ्रू साइबर कैफेज। जो हमारे बैंक पासवर्ड चुरा लेते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती है, गलत पैसे निकाल लेते हैं, ये सब साइबर कैफे से होता है। क्यों? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं अपना, जैसे मान के चलो मैं साइबर, मेरे को कोई काम है, मेरे को एक पेमेंट करना है 2,000 रुपए का, तो मैं गया अपने घर से, मेरे घर पे फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ये मेरा घर है, मैं गया अपने घर से साइबर कैफे और मैंने वहां पे जाके अपना कार्ड लिया, कार्ड के नंबर वंबर लिखे, ओटीपी डाला, सीवीवी डाला, तो मैंने अपने पैसे कटा लिए, हो गया मेरा काम। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बैंक का पासवर्ड तो उसमें रह गया ना कहीं, तो उससे हमारा जो पासवर्ड है वो साइबर कैफे से गलत इंटेंशन के साथ यूज हो सकता है, जिससे कि फ्रॉड्स हो सकते हैं। ठीक है,
और कई बार देखा गया कि फ्रॉड ईमेल्स होते हैं, ऑब्सेंस मेल यानी कि गलत तरीके के जो भी मेल्स होते हैं लोगों को हैरेस करने के लिए, वो भी इनफेक्ट आपके साइबर कैफे से ही भेजे जाते हैं। पब्लिक कंप्यूटर्स यूजली रेफर टू द सिस्टम। साइबर कैफे में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको सिस्टम्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ये सिस्टम खाली है, सिस्टम भर रहा है, ऐसे यूज करते हैं। तो जो कि साइबर कैफेज में अवेलेबल होते हैं, ये कई तरह की रिस्क भी इनके साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया दो तरीके की, यानी कि बैंक पासवर्ड वाली, फ्रॉडलेंट वाली, ऑप्शंस मेल वाली। तो बेसिकली ये, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया कुछ भी जो मैंने पढ़ाया, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले जमाने में क्या होता था कि फोन नहीं थे, एसटीडी से कॉल होती थी। तो कोई भी कहीं किसी को कॉल करनी हो, किसी को धमकी देनी हो, तो एसटीडी पे गए, धमकी दे दी कि तुम्हारी बच्ची मेरे पास है, हमें 2 लाख रुपए दो। तो ये उससे क्या होता था कि कॉल करने वाले जो होते हैं, वो जिनको कॉल करनी होती है उनके पास कॉल चली जाती है, इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है, लेकिन किसने करी, कहाँ से करी, ये उनके पास नहीं पता होता। बस उन्हें ये नॉलेज होती कि एसटीडी से कॉल आई है। बेसिकली अननोन एक आईपी एड्रेस का यूज करते हैं ये, जो कि पब्लिक कंप्यूटर्स का होता है, सिस्टम्स का। अब मेन बात आती है साइबर कैफे में इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स हैं सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ टिप्स हैं। जब भी आप साइबर कैफे में जाएं तो आप हमेशा कुछ ये टिप्स याद रखें। पहली, ऑलवेज लॉग आउट। जब भी आप भी कोई काम करें, अपनी इंस्टा आईडी चलाएं, फेसबुक आईडी चलाएं, कोई भी सोशल मीडिया आईडी चलाएं, तो उसको लॉग आउट करके आए, ताकि आपकी फ्रॉडलेंट आइडेंटिटी को यूज ना कर सके, आइडेंटिटी थेफ्ट ना कर सके आपका। दूसरा, स्टे विद द कंप्यूटर। जैसे आप अपना कंप्यूटर चलाने गए, आपको प्यास लगी, वॉशरूम जाना है, तो आप अपने कंप्यूटर को छोड़ के चले गए 10 10 5 5 मिनट के लिए। तो हमेशा आपने स्टे विद द कंप्यूटर, क्लियर हिस्ट्री एंड द टेम्परेरी फाइल, एंड जो जो भी चीजें आपने ब्राउज करी हैं, जो भी कैश आपने कैश मेमोरी क्रिएट करी है, उसको आप क्लियर कर दें, ताकि आपके बाद जो बंदा कंप्यूटर सिस्टम को यूज करे वो आपकी इंफॉर्मेशन गैदर ना कर सके कि आपने क्या क्या चीज सर्च की है ब्राउजर पर। बी अलर्ट, चौथा बी अलर्ट रहे कि आपको खुद सेफ रहना है, सावधान रहना है। फिफ्थ है इसमें अवॉइड ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना, 2000 रुपये आपने जो जमा किए थे, ऑनलाइन कटवाए थे, उससे आपका फ्रॉड हो गया था, तो इससे आपको बचना है। ऑनलाइन पैसे आपको कटवाने हो तो आप साइबर कैफे वाले को दे सकते हैं, वो अपने कार्ड से कर सकता है। चेंज पासवर्ड्स, अगर आप साइबर कैफे यूज करते हैं, साइबर कैफे का सिस्टम यूज करते हैं, तो अपने पासवर्ड को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। सेवंथ, यूज वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड एक ऐसी फंक्शनलिटी होती है जिसमें आप अपने सिस्टम की स्क्रीन पर एक कीबोर्ड आ जाता है, जिसमें आप वर्चुअली इसे यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती, तो उसका यूज करें। और सिक्योरिटी वार्निंग्स का ध्यान रखें, जैसे कि सिस्टम की एंटीवायरस इंस्टॉल है या फिर नहीं, इन सब वार्निंग्स का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपका साइबर कैफेज में हो गया। अगर दो नंबर, वैसे 7 मार्क्स में तो नहीं आएगा टॉपिक, अगर ये 2 मार्क्स में आया तो साइबर कैफेज क्या होता है ये लिख देना, और ये कुछ टिप्स हैं ये लिख देना। बाकी ये सर्वे वगैरह आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के पर्पज से बताया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, बोटनेट की तरफ। तो बोटनेट से आपको क्या समझ में आता है? आपने कई बार उस पर देखा होगा कि आप कुछ बच्चे पबजी खेलते होंगे, पबजी, फ्री फायर, तो उसमें आप खेलते हो तो कुछ बोट्स आ जाते हैं। बोट्स माने कंप्यूटर कंप्यूटराइज जनरेटेड जो प्लेयर्स होते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड प्लेयर्स, वो आपके बोट्स होते हैं। ठीक, तो बोट्स आप समझ गए होंगे, ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है दैट परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ओवर अ नेटवर्क। तो ये आपकी बोट्स की स्पेल वो डेफिनेशन होगी। ओके, अब बात करते हैं बोटनेट्स की। बोटनेट एक रोबोटिक नेटवर्क होता है। ठीक है, उससे पहले आप लिटरल मीनिंग में आ जाइए। बोटनेट को द फ्यूल फॉर साइबर क्राइम भी बोलते हैं, याद रखना। क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फ्यूल फॉर साइबर क्राइम, क्योंकि बोटनेट की वजह से ही साइबर क्राइम बढ़े हैं। एक तरीके से ये ही फ्यूल का काम कर रहा है, से आग पे घी डालते हैं ना, तो ये साइबर क्राइम आग है, तो घी बोटनेट का काम कर रहा है। अब पहले पढ़ लेते हैं डिक्शनरी मीनिंग ऑफ बोट। बोट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, कंप्यूटिंग या फिर ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है जो कि किसी टास्क को करने के लिए भी बनाया जाता है।
इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सिंपल बोट व्हाट्सएप का बोट होता है। एक आपने किसी दुकान पे मैसेज करा, स्वीट्स की दुकान पर, कि हेलो आई वांट टू परचेज सम स्वीट्स। तो उधर से ऑटो जनरेटेड मैसेज आ जाता है कि यस आर मेन्यू इज दिस, बूंदी के लड्डू इतने रुपए किलो, बेसन के लड्डू इतने रुपए किलो, तो अब ऑटोमेटिक आ रहा है। या फिर आपने किसी फर्नीचर की दुकान पे मैसेज करा व्हाट्सएप पे, हाय आई वांट टू बाय सम फर्नीचर, तो वो ऑटोमेटिक जेनेटिक बोट आता है कि अभी जो ओनर है वो अवेलेबल नहीं है, अभी अवेलेबल होंगे तो तुरंत वो आपको मैसेज करेंगे। तो इस तरीके से मैसेज आते हैं बिजनेस व्हाट्सएप से। तो वो ही जो बोट होता है उसको एक प्रोग्राम्ड करा जाता है कुछ काम करने के लिए। वो काम क्या था कि उसको मेन्यू भेजना है या फिर उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, तो ये हो गया बोट। बोटनेट क्या होता है? बोटनेट आपका एक टर्म होता है जो कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रोबोट्स के लिए यूज होता है, बोट्स के लिए होता है। ये ही जो ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है बोट्स, इनके ही कलेक्शन को बोटनेट बोलते हैं, ये जो कि ऑटोमेटिकली ऑटोनोमसली रन करता है हमारे सिस्टम में। अब द टर्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद मैलिशियस सॉफ्टवेयर बट कैन ऑल्सो रेफर टू द नेटवर्क कंप्यूटर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो टर्म्स होता है ऑफ ये जो बोट नेट है, ऑल दो मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है, बट कई बार कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क के होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर पर, तो उसके लिए भी बोट नेट्स को यूज करा जाता है। अब सिंपल टर्म में बोले तो जो बोट है आपका एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका एम होता है कि आपके कंप्यूटर का कंट्रोल कोई गेन कर सके, उसको इन्फेक्ट कर सके एक वायरस के साथ, अदर मेलिशियस कोड के साथ, जो कि उस बोट के द्वारा सारे कंप्यूटर के एक्सेस को पा सके। कंप्यूटर सिस्टम मे बी अ पार्ट ऑफ बोटनेट इवन थो इट अपीयर्स टू बी ऑपरेटेड नॉर्मली। अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मल चल रहा है फिर भी वो बोटनेट का पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपियर करेगा ऑपरेटिंग नॉर्मली बट बोटनेट का शिकार हो सकता है। बोटनेट एक ऑफन यूज करते हैं, रेंज ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट स्पैम को डिस्ट्रीब्यूट करना, वायरसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, डीओएस यानी अभी आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे डीओएस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, इनको परफॉर्म करता है बोट। बोट को एक जॉम्बी नेटवर्क भी बोलते हैं। अगर आपने कोई जॉम्बी की मूवी देखी हो, जॉम्बी का गेम खेला हो, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन होता है एक ह्यूमन, कोई आदमी कोई पर्सन उसको जॉम्बी काट लेता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो दिखता नॉर्मल है, लेकिन उसका काम क्या होता है कि और लोगों को इन्फेक्टेड करना। तो ये जॉम्बी वाला ही खेल है कि बोटनेट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के जॉम्बीज होते हैं, इसीलिए इनको जॉम्बी नेटवर्क भी बोलता है। दिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल, चलेंगे नॉर्मल, लेकिन काम जो इनका होगा वो मैलिशियस कोड को इन्फेक्ट करना होगा, यानी कि गलत इंटेंशन के साथ जो कोड होगा वायरस के लिए उसको इन्फेक्ट करना होगा। तो एक जॉम्बी नेटवर्क है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जिनमें मैलिशियस प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, जो साइबर क्रिमिनल्स को अलाउ करते हैं कंट्रोल करने के लिए उन मशीन्स को रिमोटली विदाउट द यूजर नॉलेज। अब सुनो, होता क्या है, बोटनेट, एक बोटनेट मिल गया, दो बोटनेट मिल गया, ये मिलकर के एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसमें कि ये साइबर क्रिमिनल्स को अलाउ करते हैं मैलिशियस प्रोग्राम्स को डालने के लिए उनके सिस्टम में। और इनफैक्ट ये साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उनके कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं विदाउट इवन द यूजर्स नॉलेज। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में बोटनेट है, ठीक है। और ये ही नेटवर्क है, एक सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है इन पूरे साइबर क्रिमिनल्स के ग्रुप के लिए। तो भी देखिए अटैक, एक डायग्राम है इसके थ्रू देखिए, ये आपका अटैकर है साइबर क्रिमिनल, उसके बाद ये बोट कोऑर्डिनेटर है, उसमें एक बंदा होगा जो बोट को कोऑर्डिनेट करेगा। ये सारे बोट्स हैं, इन सब एक बोट दो बोट तीन बोट, इन बोट्स को मिलाकर ही आपका बोटनेट बनता है। और इसी बोटनेट को जोम्बीज नेटवर्क बोलते हैं, ये सब मिलकर के कंप्यूटर्स के विक्टिम के कंप्यूटर्स को अटैक करते हैं, जिससे कि उस कंप्यूटर जो विक्टिम का कंप्यूटर होगा उसकी सारी एक्सेस मिल जाएगी उस अटैकर को विदाउट इवन द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर हु इज यूजिंग द कंप्यूटर, एंड इवन ही कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द कंप्यूटर विद द मेलिशियस प्रोग्राम। सो ये एक तरीके का डायग्राम है, इसे आप बना सकते हैं अगर चाहें तो। अगर ये क्वेश्चन 10 7 मार्क्स में आता है, ऑल्दो इसके भी चांसेस कम है, स्टिल अगर आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो। पहला अटैकर है, अटैक क्या करता है, बोट कोऑर्डिनेटर को यूज करके बोट्स पर अटैक करता है। बोट्स क्या होता है, बोट्स बोटनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ बोटनेट होता है,
और ज़ॉम्बीज नेटवर्क को भी बोटनेट बोलते हैं। बोटनेट क्या होता है? ज़ॉम्बीज का नेटवर्क होता है। तो ये आप लिख सकते हैं, अगर चाहें तो खाली डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद ये बोटनेट मिलकर के यूजर्स विक्टिम के लैपटॉप को इन्फेक्टेड कर देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उनका कंट्रोल एक्सेस कर लेते हैं विदाउट इवन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप ध्यान रखना। अगर आप बोटनेट, अगर आपको कुछ भी याद ना रहे बोटनेट क्या होता है, तो बस याद रखना बोट एक कंप्यूटर ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है, जो कि कोई काम करने के लिए बनाया जाता है, जो कि नेटवर्क के थ्रू काम करता है। और ये डायग्राम याद रखना बस, अटैकर बोट कोऑर्डिनेटर बोटनेट विक्टिम, आप ये बोटनेट बनाओगे ना आपको तभी सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना बस। अब मूव करते हैं, हम बोटनेट से अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। पहला, यूज एंटीवायरस एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर टू कीप एंड कीप इट अप टू डेट। हमेशा अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डाल के रखें। एंटीवायरस तो आप सब जानते होंगे ना, तो बस वो अपने लैपटॉप में डाल के रखें। एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर डाल रखें। स्पाइवेयर क्या करता है, एक तरह से आपके कंप्यूटर को टाइम बाय टाइम चेक करता रहता है, स्पाई करता रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं कौन सा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम डाल रहे हो, सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, इनको आप अप टू डेट रखो, यानी अपडेट रखो, क्योंकि नए नए वायरसेस आते रहते हैं, तो इनको भी अपडेट करना पड़ता है नए नए वायरसेस के हिसाब से। दूसरा पॉइंट है सेट द ओएस, ओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम, टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिक्योरिटी पैचेस ऑटोमेटिकली। अब इसमें एक कंप्यूटर में टेक्निकलिटीज होती है, जिसमें ओएस को आप इनेबल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इनेबल कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी सिक्योरिटी पैचेस होंगे वो अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले उसको सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे आप मेट्रो में जाते हैं ना, तो मेट्रो से पहले आपको सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है, इस तरह से एक सिक्योरिटी चेक हुआ करेगा। फिर थर्ड पॉइंट है यूज द फायरवॉल टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम हैकिंग अटैक्स व्हाइल इट इज कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट पर सर्फिंग करें, ब्राउजर यूज करें, तो फायरवॉल को जरूर यूज करें। फायरवॉल क्या होता है, अब आपको बता दूं, ये हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए, तो इसको आप अच्छे से लिख लेना। ये है फायरवॉल की डेफिनेशन। अब फायरवॉल क्या है, फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर। फायरवॉल जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर ही हो, एक हार्डवेयर भी हो सकता है फायरवॉल, जिसका काम होता है ये ब्लॉक करता है अनऑथराइज एक्सेस को वाइल परमिटिंग द ऑथराइज कम्युनिकेशन। जैसे हम इंटरनेट पर कुछ भी ब्राउज कर रहे हैं, तो बोट फायरवॉल का क्या काम होता है, एक तरह से वॉल होती है, ये हमारे कंप्यूटर का बाहर की दुनिया है, ये कंप्यूटर की दुनिया है, ये बीच में इंटरनेट है, इंटरनेट से ही कनेक्ट होता है सब कुछ। तो सर्वर से या फिर क्लाउड से जो भी हमारे कंप्यूटर पर आ रहा है, बीच में फायरवॉल होती है, फायरवॉल का काम यही होता है। ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर होगा तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, हार्डवेयर होगा तो आपको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका काम क्या होता है, ये इसीलिए डिजाइन करा जाता है ताकि जो भी अनऑथराइज एक्सेस हो, जैसे कि कोई मालवेयर कोड है, कोई भी वायरस है, उसको ब्लॉक करता है, और जो भी ऑथराइज कम्युनिकेशन होगा उसको एक्सेस करना। सिंपल सी बात है, ये एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। आप अपने कॉलेज जाते होगे, गेट पे खड़ूसा सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है, वो क्या करता है, हाँ भाई आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड है तो अंदर जाने देता है, नहीं है तो वापस जाओ। सिमिलरली आप पेपर देने जाते हो, आपने अभी सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी दिए होंगे, उसमें क्या करता है कि आप पे हॉल टिकट है, हाँ भाई अंदर जाओ, अगर नहीं हॉल टिकट तो वापस जाओ, बस यही करता है काम, इतना सही है। एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। और हमेशा अपने कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करके रखें इंटरनेट को, जब आप कंप्यूटर से अवे हो, मतलब अगर आप कंप्यूटर छोड़ के जा रहे हैं और इंटरनेट उस पर कनेक्ट करके जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें, कुछ भी एक्टिविटीज हो सकती है, तो प्लीज अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके जाएं। फिफ्थ पॉइंट है डाउनलोडिंग द फ्रीवेयर ओनली फ्रॉम द वेबसाइट दैट आर नोन एंड ट्रस्टवर्दी। बीच में एक वेबसाइट चली थी आपको याद हो, टोरेंट, जिस पर कोई भी आप पिक्चर, कोई भी मूवी, कोई भी गाना फ्रीली डाउनलोड करो, लेकिन वो इंडिया में बैन हो गई। उसका रीजन यही था कि वो गाने तो डाउनलोड करती करती थी, गाने के साथ वायरस भी डाउनलोड करती थी सबके फोन और लैपटॉप में। तो इसका मतलब यही है कि ऐसी जगह से चीजें डाउनलोड करें, ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड करें जो कि आपकी पहचान की हो। जैसे कि आपको सॉन्ग करना है तो पागल वर्ल्ड.com से पहले लोग करते थे, बहुत फेमस वेबसाइट थी ये, जो
कुछ लोगों को पता होगी, सॉन्ग स्पीके करके एक वेबसाइट थी, अब तो ऑल दो सब ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर ही लेते हैं, सब स्पॉटिफाई वगैरह पे सुनते हैं। तो ये एक नोन और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट थी, तो इन पे ही से डाउनलोड करें। 6 पॉइंट, चेक रेगुलरली द फोल्डर्स इन द मेल बॉक्स सेंट आइटम और आउटगोइंग फॉर दूस मैसेज यू डिड नॉट सेंड। अब इनका मेन हथियार क्या होता है कि एक्सेस ले लेते हैं आपके लैपटॉप पे और आपके लैपटॉप से ही मेल भेजते हैं ताकि अपने एक्सेस को और ब्रॉड कर सके। तो आपको टाइम टू टाइम अपना ईमेल बॉक्स चेक करना है, जिसमें सेंट बॉक्स चेक करना है, सेंट आइटम्स या फिर आउट गोइंग, मतलब हमारे लैपटॉप से बाहर क्या क्या गया है उसका आपको पूरा एक तरह से ब्योरा अपने पास रखना है। जो आपने मैसेज नहीं सेंड करे उनको और ध्यान से देखना है कि किस पर्पज से क्यों सेंड हुए हैं। और अगर आपको कोई ऐसा मैसेज दिखता भी है जो आपने नहीं भेजा, तो आपको टेक एन इमीडिएट एक्शन इफ योर सिस्टम इज इन्फेक्टेड, और आपको कोई भी इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड है, तो आपको कोई इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज के लेक्चर में हमने आज पढ़ा साइबर कैफेज क्या होता है, साइबर कैफेज की सिंपल हमने डेफिनेशन देख ली और इनके कुछ टिप्स देख लिए। साइबर कैफेज के साइबर कैफे 2 मार्क्स में आने के इसके चांसेस हैं। साइबर क्राइम जो है वो ब्रॉडली हमने पढ़ा है पीछे, तो इसको यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन साइबर क्राइम आता है तो हमने पीछे जो भी पढ़ा आपको सब लिखना है। इसके जो प्रोबेबिलिटी है 7 मार्क्स में है, अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो ये दोनों मर्ज होके आएंगे, साइबर कैफे और साइबर क्राइम क्या होता है, और इनकी टिप्स अगर नहीं पूछता तो आपको बतानी है और पूछता तो बतानी ही बतानी है। फिर हमने बोटनेट्स पढ़ लिया, बोटनेट में पढ़ा हमने बोट क्या होता है, और फिर बोटनेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद बोटनेट को द फ्यूल फॉर साइबर क्राइम भी बोला जाता है, जैसे कि फ्यूल का काम करता है। उसके बाद ज़ॉम्बी नेटवर्क्स क्या होता है ये देखा हमने, और ये इस डायग्राम को जरूर बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर बोटनेट आता तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। उसके बाद हमने अपने सिस्टम को सिक्योर करने की टिप्स देख ली बोटनेट से। तो बाकी आने वाली लेक्चर में हम टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ अटैक वेक्टर पढ़ेंगे, और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर हैंडरिटन नोट्स क्वांटम एआई स्टडी मटेरियल, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हैं। ऑल्दो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।